What's up, YouTube family? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर. सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबको जो भी मेरे चैनल देखते हैं, भले कम हो पर सबको हैप्पी न्यू ईयर दिल से. आई होप आप सबका नया साल 2020 अच्छा जाए. मेहनत कीजिए, काम कीजिए, पीस सब जगह फैलाइए. हेटरेट नहीं, पीस सब जगह फैलाइए. तो आज की ताज़ा खबर क्या है. मुझे थोड़े बहुत डीएम जो मेरे थोड़े बहुत जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके डीएम्स आते थे कि आप कहाँ गायब हो गए. ये जो पूछते हैं क्वेश्चंस, इससे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ गायब हो. मतलब जो भी दो तीन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानना चाहते हैं मैं कहाँ. भाई मैं किधर नहीं गया हूँ, मैं इधर ही हूँ, थोड़ा काम में बिजी था. और हाँ, सब लोग बोल रहे आप दबंग 3 का अपने रिव्यू नहीं बताया, इतना पॉपुलर मूवी निकली है. तो सच बोलूँ, दबंग 3 मैं मूवी देख के आया हूँ पर मुझे इतनी खास लगी नहीं, एवरेज लगी. क्योंकि जो एक्सपेक्ट मैंने किया था कि मूवी कैसी होनी चाहिए वैसी ही निकली है. अभी बोलूँ तो दबंग 3 पिक्चर अच्छी बनाई है. इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन को इन्होंने थोड़ा डिफरेंटली दिखाने की कोशिश की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. एज यूजुअल सलमान खान फैंस मूवी, सलमान खान स्प्लेंग चुलबुल पांडे सबको पता है, सोनाक्षी सिन्हा. इसमें महेश मांजरेकर की बेटी ने अपने डेब्यू किया है एंड आई थिंक शी इज अ गुड एक्ट्रेस. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. और इसमें विनोद खन्ना जी जो थे एक्सपायर हो गए, उनके ब्रदर ने भी काम किया है. तो कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले. महेश मांजरेकर ने भी काम किया है तो काफ़ी अच्छा लगा. पर स्टोरी लाइन ठीक था, इट्स ओके एवरेज. सलमान खान की मूवीज लास्ट जो आ रही है मुझे इतनी कुछ अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि आई थिंक उनको अभी डिफरेंट कैरेक्टर्स में प्ले करना चाहिए. वो दबंग सीरीज को ही खींच रहा है. मुझे नहीं लगता कि अभी दबंग 3 के बाद अगर दबंग को इन लोग और खींचना चाहेंगे दबंग 4 या दबंग 5 तो ये मूवी मेरे ख्याल से जो स्टोरी लाइन बन रही है दबंग सीरीज की ये पूरी वेस्ट हो जाएगी. 3 से लग रहा है कि यही एंड है. इन लोगों को और दबंग की सीरीज नहीं बनानी चाहिए. ठीक है, मूवी गए थे क्रिसमस मतलब नए साल के एंड में मूवी देखने गए थे, अच्छा लगा. सलमान खान टाइप ऑफ मूवी, फैंस जो है उनके जो चाहने वाले सब चिल्ला रहे थे, बहुत मजा आ रहा था. सलमान खान की जो फोटोशॉप बॉडी दिखा रहे थे काफी अच्छी लग रही थी. सिक्स पैक एब्स बॉडी, जहां तक मैंने सलमान खान को देखा है फिजिकली मूवीज में, वैसे कुछ उनकी बॉडी है नहीं. वैसे इज टोटली फैट नाउ. और ठीक है, फोटोशॉप किया है काफी, थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं. बाकी तो सब प्रभु देवा ने इसको डायरेक्ट किया है तो डांस वांस भी थोड़ा अच्छा अच्छा दिखाया है. तो मैं कहूँगा कि एवरेज मूवी है पर एक बार जरूर देखिए, एंटरटेनिंग है. और गाने की बात करें तो एवरेज ऐसा नहीं कि हमेशा याद रहे, जो हमेशा मैं कहता हूँ एवरेज है. वन टाइम वॉच मेरे हिसाब से, वन टाइम वॉच. और बस यही, ज़्यादा कुछ और कहना नहीं चाहूँगा. और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, सबको हैप्पी न्यू ईयर दिल से. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए. बस यही कहूँगा, चलो बाय.